हेलो, वेलकम टू माय चैनल कुक शुक्रिया आलिया। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू प्याज और पालक के पकौड़े, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आलू ले लिए हैं और ये मैंने 4-5 आलू लिए थे बड़ी साइज़ के, और एक प्याज ले लिए, इसको कट कर लेंगे, और हरी मिर्च ले ली है 3 से 4। फिर इसमें जाएगा पालक, एक बाउल मैंने पालक भरकर इसमें डाला है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है पालक और आलू के पकौड़े, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर इसमें मैंने डाला रेड चिली पाउडर, नमक डाला, और इसमें जाएगा बेसन। बेसन डालने के बाद अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसको फ्राई कर लेंगे। तो हम 2 बार में इसको फ्राई करेंगे, पहले हाफ फ्राई कर निकाल लेंगे, फिर दोबारा फ्राई करेंगे। आप इसको एक बार में भी फ्राई कर सकते हैं। आप इसको तवे में बनाइए, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और तो इसको क्रिस्पी हो जाने तक इसको फ्राई करते रहेंगे एंड इसको बाहर निकालेंगे। मैंने आधे हाफ फ्राई कर रख लिए थे। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत क्रिस्पी बने हैं और बहुत इजी भी हैं। आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इसको सर्व करते हैं केचप के साथ। टमाटो केचप मैंने ले लिया था, और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।